नमस्कार सर, हम चटक न्यूज़ से हैं और आज आप यहाँ पर आ रखे हैं लोकल बस अड्डा का जो नया जो मार्केट बनाया है वहाँ पर आप आ रखे हैं। और हमने सुना है यहाँ पर जो है कुछ वक्त के बाद यहाँ पर पुतला फूंका जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो आप क्यों फूंक रहे हैं इनका पुतला, आपसे हम पूछना चाहेंगे। देखिए चटक न्यूज़ देश की सबसे चटक न्यूज़ है, इसमें हमें चटक जवाब चाहिए। क्यों फूंकना चाहते हैं आप पुतला? मैं मजाक नहीं करता हूँ, आप बताइए। हेलमेट वाले भैया, आप क्यों भूखना चाह रहे हैं पुतला? किसानों के साथ गलत कर रहा है भाई। अच्छा जी, किसानों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत तो सदियों से हो रहा है, लेकिन इस बार जाग उठा है। इसी समय इस समय ऐसा क्या गलत हो रहा है कि आप यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं? तीन नए कानून लेके आए हैं, वो बिल्कुल एकदम किसान विरोधी है। अच्छा जी, तीन नए कानून किसान विरोधी है, कौन कौन से हैं वो तीन कानून? एक तो जो मंडी सिस्टम को बंद करने का हो गया, डायरेक्टली नहीं होगा वो, लेकिन जो बिना लाइसेंस के लोग बाहर खरीदेंगे धीरे धीरे वो जो है खत्म हो जाए। दूसरा जो एमएसपी एक तो वैसे ही नहीं मिल रहा, और ये जो नया कानून है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, एमएसपी वैसे ही नहीं मिलता और नए कानून में और नहीं मिलेगा, यानी कि जहाँ इन्होंने एमएसपी देनी थी ये वहाँ से एमएसपी हटा रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। उत्तराखंड की आंदोलनकारी बहनें यहाँ पर आ रखी हैं और सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि मार्च निकाला जा रहा है, बहुत ही शानदार। सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि मार्च ये आज चल रहा है देहरादून में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव चल रहा है देहरादून में। राज्य आंदोलनकारी जिंदाबाद, राज्य सरकार लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और ये बुद्धि शुद्धि मार्च है, ये क्या महिला मंच है? महिला मंच कोई नहीं, महिला मंच जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। और अभी हमने देखा सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि मार्च, कोई नहीं, बीच बीच में ऐसा होता रहता है, वापिस आते हैं। हाँ जी सर, आप कह रहे थे कि दो पॉइंट, दूसरा जो है एमएसपी नहीं मिल रहा, तीसरा पॉइंट कानून क्या था? तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दिक्कत ये है, एक एरिया जो है एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर में आ गया। हाँ जी, इसका जो सामान है वो यही खरीदते हैं। हाँ जी, तो उससे वहाँ पे पहली बात तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी जी। जिससे क्या होगा, मोनोपोली से क्या होता है कि जो व्यवसायी है उसको फायदा होता है, जो किसान मजदूर किसान है उसको नुकसान होता है, क्योंकि वो अपने मनमानी कीमतों पर खरीदेगा, किसान की लागत चाहे कोई भी। जी हाँ, अब आप मेरी शक्ल देख रहे हैं जी, मैं हूँ चटक न्यूज़ का संवाददाता नितिन मलेठा। और अभी हमने देखा कि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, और ये भाई जी कह रहे हैं कि जो मेन इनकी दिक्कत है तीन किसान कानूनों से, उसके खिलाफ ही आज मोदी जी का जो है पुतला यहाँ पे दहन कर देंगे। देखते हैं कितना धधकता है ये पुतला। जुड़े रहिए हमारे साथ।